ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मेरठ की। मेरठ में एक बड़ी भारी होटल है, हारमोनी होटल। इसको भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के जो पूर्व कोषाध्यक्ष हैं और भाजपा के नेता हैं वो इसको चला रहे थे, और इसमें भारत का नहीं कई देशों के जो सबसे अच्छे कैसीनो हो सकते हैं वैसा कैसीनो उन्होंने मेरठ के अपनी होटल के एक प्रथम तल में बना रखा था। यहाँ पर 100 टेबलें लगी हुई थीं, इन 100 टेबलों में कैसीनो खिलाया जा रहा था। करीब वहाँ पर देश और विदेश की कई लड़कियाँ उस कैसीनो को खिलाने के लिए जो खेलने के लिए आए थे जुआ, उनका मनोरंजन भी करती थी, उनको ड्रिंक भी सप्लाई करती थी और उनको क्वाइन वाइन देने का काम भी करती थी। इस होटल में जो भी लोग जाते थे उनके एंट्री फीस 1,00,000 रुपया थी, और इसमें दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और बड़े बड़े शहरों से लोग जुआ खेलने के लिए आते थे। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व कोषाध्यक्ष हैं जिनका नाम नवीन अरोड़ा है, इन्होंने इस होटल को 2017 में ख़रीदा जब भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, और ये उस समय वहाँ के मेरठ पूरे मंडल के कोषाध्यक्ष थे। और उसके बाद से जो इन्होंने आर्थिक प्रगति करना शुरू की तो उसके बाद इन्होंने रुकने का नाम नहीं लिया। केवल एंट्री फीस के रूप में इस होटल को लगभग 1,00,000,000 रुपये प्रतिदिन की केवल एंट्री फीस के रूप में आय होती थी। इसके अलावा जुए के व्यापार से और रुकने और दूसरे खर्चे के रूप में कई करोड़ों रुपए का बिजनेस रोजाना करते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि मकाऊ हो, नेपाल हो, गोवा हो, श्रीलंका हो, जो कैसीनो के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ पर जिस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं उससे भी ज़्यादा अच्छी व्यवस्था इन्होंने मेरठ में दे रखी थी। विदेशी बारवाला भी यहाँ आ रही थी, बम्बई की बारवाला भी आ रही थी, और ये सब वहाँ पर अर्धनग्न अवस्था में नाचते हुए और जो लोग जुआ खेलने के लिए आ रहे थे उनका मनोरंजन कर रही थी और उनको तरह तरह की सेवाएँ उपलब्ध करा रही थी। जब पुलिस को ये शिकायत मिली कि इस होटल में कुछ इस तरीके की गतिविधियाँ चल रही हैं जो गैरकानूनी हैं, और जब छापा डाला गया तो वो पता लगा कि वहाँ पर कैसीनो खिलाया जा रहा है, कैसीनो बना हुआ है, वहाँ जुए खिलाए जा रहे हैं और विदेश और देश की कई जगह की बारवालाएँ वहाँ आके और वो कैसीनो को चलाने का काम कर रही हैं। अब जिनका ये कैसीनो है उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि जो नवीन अरोड़ा साहब हैं वो भाजपा के पूर्व कोषाध्यक्ष तो हैं ही, उसके अलावा वो उनको जो है पंजाबी महासभा के वो अध्यक्ष भी हैं वहाँ की, और इन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यसभा के सदस्य राजेंद्र अग्रवाल जी के ये बहुत बड़े करीबी हैं। और राजेंद्र अग्रवाल जी के बारे में कहा जा रहा है, ये इसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो अघोषित रूप से इस होटल में पार्टनर हैं, शायद उनका भी पैसा लगा हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग जो चाल चरित्र चेहरे की बात करते हैं, यदि वह लोग इस तरीके के काम कर रहे हैं और काम करके और जिस तरीके से वो मतलब जो मेरठ का जो कैसीनो बनाया उन्होंने उसने नेपाल वेपाल सबको पीछे छोड़ दिया, और अब पूरे देश भर से लोग मेरठ में उस कैसीनो में खेल खेलने के लिए आ रहे हैं और उसके लिए एक एक रात के लिए एक एक दिन के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। जिन 35 लोगों को करीब करीब गिरफ्तार किया, जैसे ही पुलिस वहां पहुंची तो वहां की लाइट बंद कर दी गई थी, बहुत से लोग भाग गए, लेकिन उसके बाद भी पुलिस के हाथ में 35 लोग आए, उसमें से बेंगलोर, मुंबई और दिल्ली और बड़े बड़े शहरों के लोग थे। उसके अलावा अर्धनग्न अवस्था में वहाँ पर लड़कियाँ भी पुलिस को मिली हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और वो पूछताछ कर रही है। कुल मिला के
भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हर जगह चाल चरित्र चेहरा को लेकर तरह तरह की बात करते हैं, गोवा में जो कैसीनो चलते थे भाजपा उसका विरोध करती थी, और यहाँ भाजपा के नेता खुद ही वो सारे काम कर रहे हैं जिस काम के लिए वो दूसरी जगह पे जाके दूसरों का विरोध करते हैं, इसको लेकर उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया है। पुलिस को भी शायद पता होता कि वहाँ इस तरीके की गतिविधियाँ हो रही तो शायद पुलिस भी नहीं जाती, लेकिन पुलिस गई, कई थानों की पुलिस बुलाई गई थी और बड़े पैमाने पर जब रेड डाली गई तो उसके बावजूद भी जैसे ही पुलिस की रेड पड़ी वहाँ की लाइट बंद हो गई थी और बहुत से लोग वहाँ से भाग गए। अब इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर इसको दबाने का प्रयास कर रही है, लेकिन जिस तरह से पूरे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों में नवीन अरोड़ा की चर्चा हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चर्चा हो रही है, और किस तरीके से डबल इंजन की सरकार के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हैसियत एकदम से बढ़ गई, वो जो जिनके पास लाखों रुपए के असेट्स नहीं थे आज वो करोड़ों रुपए में खेलने लगे, तो ये जितने भी अवैध काम हो रहे हैं, जो गैरकानूनी काम हैं, वो सबसे ज़्यादा भाजपा के नेता कर रहे हैं, इसको लेकर देश भर में भाजपा की बड़ी बदनामी हो रही है ऐसा कहा जाता है। लेकिन अब ये जो हुई है, पुलिस ने जाने अनजाने में जो अपना कर दिया, तो अब उसके बाद भाजपा इसको किस तरीके से सरकार इस पे कार्रवाई करती है, क्या बयान आते हैं, ये देखना बाकी है। लेकिन पूरे देश भर में अब भारतीय जनता पार्टी के असली चाल चरित्र और चेहरे की बात होने लगी है, और लोग कहते हैं जो ये कहते हैं वो करते नहीं हैं और जो करते हैं वो कभी कहते नहीं हैं। तो भाजपा की साख जो पहले बनी हुई थी उसमें बड़ी तेज़ी के साथ गिरावट देखने को मिल रही, यही कहा जा सकता है। नमस्कार।